नमस्कार मित्रों, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोर में आखिर वे रोचक तथ्य जो शायद आप नहीं जानते हो या फिर बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो वे रोचक तथ्य क्या हैं कि जो मोर के पंख लिखे जाते हैं वह मोर के पंख किसके होते हैं, तो मोर के ही होते हैं, ना कि मोरनी के। मोरनी का यह नहीं होता है, केवल मोर का ही पंख यूज किया जाता है लिखने में। दूसरी बात कि भारत की राष्ट्र पक्षी मोर कब बनाया गया और क्यों बनाया गया। तो भारत की राष्ट्र पक्षी मोर वर्ष 1963 ईस्वी में 26 जनवरी 1963 ईस्वी में 63 में बनाया गया। क्यों बनाया गया, क्योंकि यह देखने में अत्यधिक सुंदर मनमोहक पक्षी है, इसलिए इसको सिलेक्ट किया गया। इसके अलावा में हंस को भी आया था लेकिन उसको अनसेलेक्ट कर दिया गया। इसके साथ ही जो हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार बर्मा, उसका भी जो राष्ट्र पक्षी है वो मोर ही है। इसके साथ मोर की जो औसत उम्र है यानी एवरेज उम्र 20 वर्ष बचती है। ये साल में 2 बार अंडे देती हैं, इनका अंडे 6 या फिर 8 होता है। जो मोर गर्भवती होती है ये इस सेक्स नहीं करती मोर के साथ। ये क्या करती है कि जब मोर का जो आंसू गिरता है उसे ये सोख लेती है या चूस लेती है, जिससे ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं, हम सिंपल भाषा में बोले तो। उसके बाद ये जो मोर होते हैं सफ़ेद रंग के भी होते हैं और नीले रंग का भी होते हैं। तो इसके साथ ही मोर ब्रह्मचारी होता है, जिसके कारण कि जो हमारे प्राचीन काल में देखे जाने होंगे कि इनका मोर पंख ऋषि मुनि यूज करते हैं, अभी मैंने आपको बताया। दूसरी बात कि हमारे श्री कृष्ण जी जिनके मोर के पंख लगाते हैं, इसी कारण कि ये ब्रह्मचारी होते हैं। इसके साथ ही हमारे कार्तिक जी का भी वाहन मोर ही है। दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी मोर के बारे में। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपको यहाँ पे हर प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो देते जाएंगे और आपको इसी तरह हैप्पी रखने का कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे इसी वीडियो के साथ।